नेक्स्ट डिफेक्ट है फ्रेश बाल्बिया। ये जो डिफेक्ट है इसमें ना तो पास का ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देता है, ना ही दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेश बाल्बिया। इसमें पास और दूर का दोनों ही ऑब्जेक्ट देखने में अपने को समस्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। इस डिफेक्ट का रीजन क्या है उसको समझते हैं। ये अपनी आई है, उसका आई लेंस है, रेटिना है अपना। तो ये जो लेंस था आई लेंस, जिसको हम चमत्कारी लेंस भी कह सकते हैं, तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी थी, ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता था विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, और कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो उसकी इमेज हमेशा रेटिना पर बनाने की कोशिश करता था अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके, जिसको हम कहते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ आई लेंस। तो होता क्या है, ये जो डिफेक्ट है ये जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये डिफेक्ट आने लगता है। उसका रीजन क्या है कि ये जो सिलेरी मसल्स हैं ये मसल्स अब एज के साथ वीक होने लग जाती हैं, तो ये जो आई लेंस है अपनी फोकल लेंथ को अब एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो कभी इमेज ऑब्जेक्ट भी पहले बन जाएगी, कभी बाद में बन जाएगी। तो ये जो डिफेक्ट है ये एज के साथ इंक्रीज होगा, इसमें ना तो क्लियर पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा और ना ही दूर का ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, ये इसका रीजन है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के लिए अपने को क्या है कि दोनों ही लेंस यूज करने होंगे, कॉनवेक्स भी और कॉनकेव भी। जैसे ही इमेज बिहाइंड रेटिना बने तो उस केस में अपने को कन्वर्जिंग लेंस यूज करना होगा ताकि पास बन जाए, और जैसे ही इमेज यहाँ पर बने तो उसको रिमूव करने के लिए अपने को डाइवर्जिंग लेंस यूज करना होगा। तो इस केस में डॉक्टर अपने को सजेस्ट करता है कि आप बाईफोकल लेंस यूज करें। तो आपने देखा होगा काफ़ी जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने जो उसका चश्मा होता है उसके अंदर दोनों लेंस लगे होते हैं, एक साइड में कॉनवेक्स होता है, एक साइड में कॉनकेव होता है। ये जो आपको चश्मा दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर दोनों ही लेंस लगे हुए हैं, अभी हालांकि उसमें दिख नहीं पाएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा जूम करने की इसकी कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखना इसमें दोनों लेंस लगे हुए हैं, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है। तो जैसे ही अपने को पास का पढ़ना होता है तो हम नीचे वाले लेंस से देख लेंगे, और जैसे अपने को दूर का देखना होगा तो हम ऊपर वाले लेंस की हेल्प से देख पाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस, जिसमें दोनों ही लेंस लगे होंगे। तो ये है अपना फ्रेश बाल्बिया, जिसमें ना तो पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा ना ही दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। रीजन समझ में आया, ये जो आई लेंस है इसकी जो एकोमोडेशन पावर है वो डिक्रीज हो जाती है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है बाईफोकल लेंस यूज करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है अपना सेकेंड लास्ट एस्टिगमेटिज्म। तो इस इफेक्ट में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन है वो एक साथ अपने को क्लियर दिखाई नहीं देती है, तो ये होता है एस्टिगमेटिज्म, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन है वो अपने को एक साथ देखने पर वो क्लियर दिखाई नहीं देती है, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं एस्टिगमेटिज्म। इसका जो रीजन होता है, इसका इररेगुलर शेप, इररेगुलर स्पेरिकल सरफेस ऑफ कॉर्निया। तो कॉर्निया की जो सरफेस होती थी वो इररेगुलर होने से ये जो डिफेक्ट है ये प्रोड्यूस होता है। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हम करते हैं बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस
दिखा होगा, कई बार जैसे अपनी देसी भाषा में अगर हम बात करें तो बोलते हैं कि आंख बनवा के आए, तो आपने देखा होगा उसमें ब्लैक कलर का जो चश्मा है वो लगा दिया जाता है उनको, वो कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, इस टाइप से जो चश्मा होता है, तो उसके द्वारा इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। लास्ट है अपना, लास्ट जो डिफेक्ट है वो है, लास्ट अपना डिफेक्ट है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये काफ़ी खतरनाक डिफेक्ट है, और इस डिफेक्ट में होता क्या है, इसमें हम कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि रेड है कि ब्लैक है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं डिफरेंट कलर है, तो अभी आप लोगों को ये डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं बिकॉज आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो जिनको ये डिफेक्ट हो जाता है वो इन डिफरेंट कलरों में डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो ये है, और इस डिफेक्ट का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ध्यान रखना, इससे बच के रहना, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर पूरी ज़िंदगी अपने को ऐसे ही भटकना है। क्लियर है? तो ये थे, हमने 5 डिफेक्ट पढ़ लिए हैं आई के। थैंक यू।